अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कभी कभी कुछ कहने को भी दिल नहीं करता। मुसलमानों की कैफियत को हम सभी जानते हैं कि क्या है। किसी भी बात का तबसरा करो, कुछ लोगों को एतराजात होते हैं। फिरका परस्तों की बात करो तो कुछ लोग कमेंट मैसेज के जरिए कहते हैं कि आप ऐसी खबरों को दिखाते हैं जिससे माशरे में एक तरह की मायूसी आती है। बजरंग दल RSS के मंसूबों का पर्दाफाश करते हैं तो कुछ लोग इस तरह से मशवरा देते हैं कि हमारी कमजोरियों को जाहिर करते हुए सामने वाले को ताकतवर पेश कर रहे हो। मुसलमानों के आपसी मसाइल पर बोलो तो कहते हैं मुसलमानों की कमजोरियों को आपसी इख्तलाफात को क्यों जाहिर करते हो। दीनी सियासी रहनुमाओं को उनकी जिम्मेदारी बताने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं क्या आप इतने बड़े बन गए हो कि तुम मौलवियों पर भी तंज करते रहोगे। आखिर करे तो क्या करे। वाकई मुसलमानों में मीडिया को चलाना कितना मुश्किल काम है समझ में आ रहा है। बजाय मीडिया को मजबूत और मुस्तकम बनाने के आप कहते हो कि ऐसे मीडिया की क्या जरूरत है, और बजाय मदद और हौसला बढ़ाने के हौसलों को पस्त करते हो। कहने को बहुत कुछ है लेकिन मौजूदा हालात में बहस मुबाहसे ठीक नहीं है। बुजुर्ग सहाफी रविश कुमार की वो बातें याद आती हैं जिसमें उन्होंने मुस्लिम कौम को ही सवाल करते हुए कहा था कि आखिर मीडिया मुसलमानों के खिलाफ है, ये रोना रोने से बेहतर होता कि आप अपना खुद का ही मीडिया हाउस बना लेते। खैर इस पर जितना भी बोले कम ही है। असल मौजू की तरफ आते हैं। चुनाव का ऐलान आजकल में होने वाला है। कर्नाटक में कोई भी काम भाजपा की जानिब से अंजाम नहीं दिया गया, लिहाजा उनके अलग अलग नैरेटिव रहते हैं, वो चलाते रहते हैं। आज बेलगाम में कांग्रेस के बड़े बड़े कायद तशरीफ आवर हैं और कांग्रेस का एक मसला यह है कि वो आपसी इख्तलाफात में ज्यादा मुलव्वस रहते हैं। हुकूमत लाने की तो बात करते हैं लेकिन आपस में ही पंजाराई करते हुए देखा जाता है। लिहाजा भाजपा के पास कोई काम नहीं है तो उनके पास हिंदू मुस्लिम ही एक काम बचा है जिसके जरिए चुनाव जीत सकते हैं, और उनको मालूम भी है। लिहाजा आज एक और मस्जिद को मंदिर कहते हुए पूजा पाठ का एहतमाम किया गया। हासिल इत्तला के मुताबिक ये वारदात मंगलूर की है, जब पिछले साल अप्रैल में मंगलूरी के पास थेंका उलीपड़ी गांव मलाली में असद अब्दुल्लाही मदनी मस्जिद की तामीर नौ करते वक्त जमीन के नीचे मंदिर होने की बात हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से कही गई, और उमूमन इस तरह की वो बातें कहते भी हैं। वैसे भी आजकल नया ट्रेंड बाबरी मस्जिद के बाद ये देखने को मिल रहा है कि जहां भी पुरानी मस्जिद होगी उसके नीचे मंदिर का दावा करो। फिर चाहे मथुरा काशी ज्ञानवापी या फिर कर्नाटक की ही टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दौर के मस्जिद आला ही क्यों ना हो। और वहां क्या बेलगाम में भी आप देख सकते हैं कि बेलगाम की शाही मस्जिद के नीचे या फिर बदरुद्दीन शाह दरगाह के नीचे भी मंदिर का दावा किया जाता रहा है। VHP बजरंग दल की जानिब से इस मंगलूर की मस्जिद का भी सर्वे करने की मांग की गई है। लिहाजा आज उस जगह पर 108वां ज्ञान यज्ञ मंदिर की तामीर के लिए किया गया जबकि वहां मस्जिद मौजूद है। मस्जिद के जिम्मेदारान ने इसे ज्यादती कहते हुए मस्जिद व बोर्ड के तहत रजिस्टर है और इस तरह का माहौल बनाना मुनासिब नहीं है कहा है। लेकिन आजकल किसी जमात किसी तंजीम किसी इदारे का अगर वो मुसलमानों के है तो कौन सुनता है। इससे पहले भी हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से अदालती सर्वे को खारिज किया गया। लेकिन जब चुनाव के नजदीक मजहबी तशद्दुद की जरूरत संघ और इनके हिमायती तंजीमों को अक्सर होती है तो ऐसे इजलासों में भाजपा और VHP के लीडरान कसरत से शरीक भी हो जाते हैं। कानून का तो कोई इनके दिल में डर है नहीं, आखिर इस तरह की वारदातों को कैसे रोका जाए इस पर भी तबसरे बहस जारी है। आज यहाँ के इजलास में और यज्ञ में भाजपा MLA भरत शेट्टी और VHP लीडर शरद पंपवेल शरीक रहे, लिहाजा इस खबर को किस मीडिया ने कवर नहीं किया है। नया ट्रेंड ये भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग जानबूझकर भड़काने का काम करते हैं तो कुछ लोग देश में एकता अखंडता की बात करते हैं। कैसे एक तरफा फैसले लिए जा रहे इसे भी समझने की जरूरत है। बेलगाम में हाल ही में वजीर आजम मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह आए थे। पूरे शहर को पोस्टर्स और पताकों परचम से बिल्कुल ढांप दिया गया था और कई दिन तक चौराहे और बिजली के खंभों पर तस्वीरें लटकी रही। कभी भी कॉरपोरेशन को यह ख्याल नहीं आया कि इन परचमों पोस्टरों को हटाया जाए। दूसरे दिन भी हटाया जा सकता था लेकिन मुस्तकिल कई दिन तक वो वहीं पर रहे। लेकिन अब जब राहुल गांधी बेलगाम आ रहे हैं तो नया कानून निकल आ गया, अगर कोई भी बैनर या परचम बिना इजाजत लगाया जाए तो कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा के लोगों ने पूरे शहर में यहां तक के घरों पर भी परचम लगाए थे, क्या इजाजत ली थी? और सवाल कांग्रेस लीडरों से भी है कि क्या कभी कॉरपोरेशन में कभी इस बात पर फरियाद दर्ज की थी। कहने का मतलब हम बनाए सो कानून की तरह सरकारी मौकमा खिदमात अंजाम दे रहा है। एक बार फिर मंगलुरु में मस्जिद की जगह पर यज्ञ कर माहौल को तशद्दुद में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों का रमजान बिल्कुल नजदीक है, एक हफ्ते से भी कम वक्त है और चुनाव की सरगर्मियां भी शुरू हो चुकी है। मुसलमानों को चाहिए कि बड़े ही संजीदगी से हालात को संभालने की कोशिश करें। हो सकता है कि जानबूझकर कोई शरारत भी हो सकती है,
वैसे तो मुसलमानों में अब वो पहले वाला दमखम नहीं रहा, ये अलग बात है, लेकिन आपसे अख्तलाफात में मुसलमान आज भी माहिर है। कहीं अपनी गलती अपनों का ही नुकसान न कर दे। एक इत्तला के मुताबिक रमजान में खड़े बाजार, दरबार गली, खंजर गली में दुकानों को लेकर, यानी कि जिस तरह से रमजान में दुकानें सजाई जाती है, इसे लेकर रोजाना कहीं ना कहीं झगड़े और बहस की वारदातों की इत्तला हासिल हो रही है। कहीं हमारी छोटी सी गलती की कीमत पूरे रमजान में चुकानी ना पड़े। अल्लाह ने एक और रमजान दिया है, इसमें कोशिश ये हो कि अल्लाह को कैसे राजी करें। हालात बड़े ही संजीदा और नाजुक हैं, और आने वाले हालात का महज तसव्वुर ही खौफ पैदा करने वाला है। कहीं पर भी किसी भी इबादतगाह को निशाना बनाया जा सकता है। छोटी सी गलती को या खुद ही गलती कर हमारे सर थोप कर फसाद की शक्ल भी बनाई जा सकती है। किसी तरह एक रहो, नेक रहो और रमजान की रूहानियत को हासिल करने की कोशिश करो। यही आज का पैगाम। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ದುಷ್ಟ ಮೃತ್ಯು ದೋಷಗಳನ್ನ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಬರುವಂತಹ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಡಿಕೊಡುವುದಲ್ಲದೆ ಮಾರಿ ರೋಗಗಳ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತಹ ರೋಗವನ್ನು ನಮಗೆ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಗಣಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅಂತಹ ಗಣಯಾಗದ ಕಲ್ಪೋತ್ತಫಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪೂರ್ವಾಜ್ಯ ಪರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಆಹುತಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ. ಇವತ್ತಿನ ಸರಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞವದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂವಿಧಾನಾಗಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಇಷ್ಟ